तो स्वप्निल भाई बना रहे हैं खाकरे में, क्या प्याज और टमाटर डाल के, इसमें मसाला भी डालते हैं ना, काला नमक, ये चाट मसाला भी है। ओके, नाश्ते में हमारा खाकरा और खाकरा खा खा के मैं बोर हो गया हूँ, तो आज मैं आगरा की टिकट करा रहा हूँ। एक तो 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मिल नहीं रही है क्योंकि इतनी वेटिंग चल रही है। आज एजेंट से करवा रहा हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, मैं पक्का आऊँगा, अदरवाइज नहीं। जैसा कि पीछे लिखा है, ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन, मुझे पता है आज कुछ वंडरफुल होने वाला है। क्यों स्वप्निल भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ओके स्वप्निल भाई, खाना पैक करा लिया? जी। ओके, तो ये मैंने खाना पैक करा लिया और मैं खाना पैक कराने आता हूँ मासी के घर। क्या घर वाला खाने का फील आ जाता है, और घर वाले से याद आया कि मेरी टिकट बुक हो गई है आगरा की, जो कि मैंने अभी घर वालों को नहीं बताई है, तो चलते हैं। पर एजेंट ने मुझसे अच्छा खासा पैसा लिया बुक करने का, कोई नहीं घर जाऊंगा। और क्यों जाना है? अरे घर की याद आ रही है मौसी, इसलिए जाना है। हाँ रूम, हाँ आगरा जा रहा हूँ, चल रहे हो? चल रहे हो, आप भी पैकिंग कर लो, ताजमहल घूमेंगे। ओके, तो खाना पैक हो गया, अभी निकलना ऑफिस के लिए, तो स्वप्निल भाई छोड़ देंगे मुझे। भाई एक्साइट, अब भी 3 दिन से ट्राई कर रहा था, टिकट नहीं हो रही थी, फाइनली हो गई। चलते मौसी, चलते ना, बाय। चलें स्वप्निल भाई? चलो। ओके स्वप्निल भाई, वीकेंड क्या घर या इधर? घर पर। ओके स्वप्निल भाई, थैंक यू छोड़ने के लिए। ओके बाय। स्वप्निल भाई का है इन्फोसिटी में जॉब। फिर ऑफिस से आने के बाद मासी हैं, उनसे ही आज का डिनर लेके आया, तो दिखाता हूँ क्या है डिनर में। हमारे पास रोटी और ये चावल, और ये है कोई दाल है, पर दाल का नाम नहीं पता मुझे। नहीं नहीं, ये दाल नहीं है, ये कोई सूखी सब्जी है, पता नहीं। आलू दिख रहा है और यह है दाल। तो आज का खाना, तो फाइनली आज का दिन आ चुका है कि मुझे तैयारी करनी है आगरा के लिए। तो ऐसा है, ट्रेन साबरमती आश्रम से है और ये जाएगी आगरा कैंट, हमें सुबह पहुंचा देगी, 4:50 पे है और सुबह हमें पहुंचा देगी लगभग 7 बजे, तो बेस्ट है। पैकिंग कर रहा हूँ। तो पैकिंग हो गई है, और इस बैग की एक खास बात है कि सारा सामान आ जाता है, मतलब आपके पास जितना भी सामान हो ना एक हफ्ते की पैकिंग के लिए पूरा आ जाता है। दिखाता हूँ, कपड़े वगैरह इधर रख लिया, फिर भी इसके बाद इतना स्पेस बचा है जिसमें मैं अपना लंच बॉक्स रखूँगा और अपनी ब्लॉगिंग किट रखूँगा, तो पूरा आने के बाद, और ये आसानी से पैक, और ये जूते भी आ जाएंगे इधर। चले स्वप्निल भाई, अच्छा दिखाना। तो अभी हम लोग आ गए मौसी का खाना खाने, तो सब्जी है ये गिलकी की सब्जी है, और ये मुझे तोरई जैसा लग रहा है, पर ये बोल रहे हैं तोरई नहीं होता, पक्का ये तोरई नहीं होता मौसी, गिलकी होती है, अलग होती है। मैं पहली बार गिलके की सब्जी, रोटी, गाठिया और छाछ लग रहा है, मस्त। ओके तो चलो खाते हैं। अच्छा आप लोग कमेंट में बताना, गिलकी और तोरई एक ही होता है या अलग अलग होता है? मुझे लग रहा है एक ही होता है मौसी, पक्का अलग होता है। गिलकी और तोरई अलग, तोरई आप जानते हो? नहीं, तोरई भी ऐसी होती है। बाय, कल मिलते हैं ना? नहीं कल तो अब नहीं मिलेंगे, अब पता नहीं, 10 दिन बाद आ रहा हूँ, 24 का रिटर्न है ना। ओके यार बहुत धूप हो रही है। ओके जय श्री कृष्ण मासी। तो 12 बजे के आसपास, तो हमारा पेट्रोल भी खत्म हो गया। ओके स्वप्निल, ओके स्वप्निल भाई मिलते हैं, बाय। तो स्वप्निल भाई ने मुझे छोड़ दिया गांधीनगर के बस स्टॉप में, अब मैं गांधीनगर के बस स्टॉप से साबरमती रेलवे स्टेशन जाऊंगा, तो बस। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की साबरमती रेलवे स्टेशन आ गए हैं, और इधर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और अभी आगरा का 37 है, मतलब इधर आगरा से भी ज़्यादा गर्मी है।
हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।